सकते हैं। और गाइज एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर एक सोलर सिस्टम में एक जोन होता है जिसको हम हैबिटेबल जोन बोलते हैं। मतलब वो जोन जो है वो उस सोलर सिस्टम के स्टार से ना ज़्यादा दूर होता है ना ज़्यादा करीब होता है, और उस जोन में लाइफ फॉर्म कर सकती है। और हमारे सोलर सिस्टम में उस हैबिटेबल जोन के लिए दो प्लैनेट्स आते हैं, दैट इज अर्थ एंड मार्स, जो है वो गन पाउडर के जस्ट में कहता है। और ये देखिए दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट और सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न वी, और अभी जो नासा और स्पेस एक्स जो एक्सपीडिशन भेजने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, डेस्कोपियन है, आई होप सब बढ़िया हैं, सब घर पर है, सब सेफ हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू द सीरीज, दैट इज लास्ट ऑफ अस पार्ट टू। और गाइस आज के एपिसोड में हम लोग बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे जो हम एक अम्यूजमेंट पार्क था कि पता नहीं क्या था, या डायनासोर का कुछ समथिंग पार्क था। यहाँ पर हम जोल के साथ आए हैं, फ्लैशबैक मिशन है 3 साल पहले का, जोल के साथ एली यहाँ पर आई है, जोल कोई सरप्राइज देना चाहता है एली को। सो अभी जस्ट हमने पार्क को एंटर किया था और हम अंदर आए थे म्यूजियम को, म्यूजियम था ये, तो इसको हमने एंटर किया है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स गो। सो यहाँ से मैंने गेम पिछली बार ही रोकी थी। वो रहा जोल और ये रही एली, ये देख सकते हैं आप कॉम्सुग्नेथस, ये डायनासोर तो आपने जुरैसिक पार्क में जरूर देखे होंगे। कॉम्सुग्नेथस कह रही है एली की छोटे लोगों के लिए बड़ा नाम, ये साइज कितना छोटा है इनका, बात तो सही बोल रही है एली। जायंट्स ऑफ द पास्ट, और ये इन सबके साथ आप फेमिलियर हो गए अगर आपने जुरैसिक पार्क देखी है, इन सब डायनासोर्स के साथ। स्टीगोसॉरस ब्रेन वाज द साइज ऑफ अ वॉलनट, नो नो वे, लुक्स लाइक यू टू हैव समथिंग इन कॉमन, गुड वन। इस डायनासोर का दिमाग एक वॉलनट की तरह है, मतलब वॉलनट के जितना है, सोचो कितना बड़ा साइज और दिमाग कितना छोटा। और ये है ट्राइसेराटॉप्स, इसके बारे में देखते हैं क्या बोलती है एली। ट्राइसेराटॉप्स मींस थ्री हॉर्न फेस, हाँ, नॉट वांट टू बी ऑन द बिजनेस एंड ऑफ दैट हॉर्न। और यहाँ पर ब्रैकियोसॉरस जो भी नाम है, ये कितना बड़ा था, ये जो बड़े बड़े डायनासोर होते थे वो है एली, इसके इनके बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही है, ये इतने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ब्रैकियोसॉरस एट 600 पाउंड्स ऑफ प्लांट्स ईच डे, एक दिन में 600 पाउंड ऑफ प्लांट्स खाते थे, इसकी डाइट कितनी थी। डिमेट्रोडन, डिमेट्रोडन वाज एन एपेक्स प्रेडेटर, ये थोड़ा थोड़ा एक लिजर्ड की तरह लग रहा है, बिग लिजर्ड, बैडएस प्रेडेटर, प्रीटी शॉर्ट फॉर दैट। वेट, वर यू टॉकिंग अबाउट मी। और ये कौन सा है, गैलिमिमस नेम मींस चिकन मिमिक, हु नेम्स दीस साइंटिस्ट, वेल दे आर डम। पहले इस तरफ जाकर देखते हैं ये क्या है, ये वही कार्ड एली को जो पसंद है। एली अपने आपको देख रही है पता नहीं क्यों। ओ, 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 पागल एली। सो अब हम इस जगह गए तो हमने सारे डायनासोर देख लिए हैं। एक मिनट, शायद इसके बारे में, ये फॉसिल है कोई, इसके बारे में कुछ नहीं हमने जांच की है, शायद कर भी नहीं सकते। यहाँ पर इस तरफ भी कुछ है और फॉसिल्स हैं। वेलोसिराप्टर, सो स्मॉल, इगुआनोडोन, एलोसोरस, ओ तेरी, टी रेक्स को देखिए आप, कितना बड़ा मुंह था इसका। Look how thick this one's skull is. Kind of looks like
जोल बोल रहा है कि मेरे भाई की तरह लग रहे हैं। ओविराप्टर, ओविराप्टर यार कितने ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं वैसे डायनासोर्स। दिस वन लुक्स लाइक अ बर्ड। सोचो कि अगर आज की डेट में भी डायनासोर्स होते। पैलियोलॉजिस्ट बिलीव द बर्ड्स वर डिसेंडेड फ्रॉम डायनासोर। वेल एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रोफेसर, आई हैपन टू नो अ थिंग और टू। हियर वी गो। नाइस। Joel, look. That is a hat on a dinosaur. Dinosaur. It's called a hatosaur. Hatosaur. Ali ने एक डायनासोर के सिर पे हैट रख दी और वो एक हैडोसोर बन गया। नाइस। चलिए ऊपर वाले फ्लोर में क्या था देखते हैं। सोचो कि अगर आज के डेट में भी डायनासोर होते तो कितना मजा आता, मतलब कितना इंटरेस्टिंग होता वो। और यहाँ पर एक्सटिंक्शन की डायनासोर कैसे खत्म हुए उसके बारे में बताया हुआ है। मतलब पता है आजकल की मॉडर्न लाइफ भी, मतलब 100% हम श्योर नहीं कि वही इवेंट हुआ था जो हमें लगता है कि हुआ था। सो मानते तो यही है कि एक मीटियोराइड आके गिरा था अर्थ के ऊपर, टक्कर हुई थी एक मीटियोराइड की, जिसे यहाँ पर भी लिखा हुआ हिटिंग द युकाटन पेनिनसुला इन मेक्सिको। आज 65 मिलियन ईयर्स अगो एक कहते हैं कि एक मीटोराइड आकर अर्थ को हिट किया था जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। हुआ ये होगा कि जब मतलब जब वो हिट किया होगा तो वो एक जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ता है उससे भी थाउजेंड ऑफ टाइम्स बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट हुई होगी क्योंकि वो मीटोराइड कितना फास्ट होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो उससे हीट जनरेट हुई होगी तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह वो एक्ट किया होगा, उससे अर्थ का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो गया होगा, तो कुछ डायनासोर वैसे ही मर गए होंगे और कुछ डायनासोर जो होंगे वो ड्यू टू द सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट मर गए होंगे। और गाइस जैसे कि आप एली की एक्साइटमेंट देख सकते हो यहाँ पर आके, एली कितनी एक्साइटेड हुई क्योंकि एली जो है वो उसको स्पेस की चीज़ें बहुत पसंद है। ये चीज़ हमने लास्ट वॉज पार्ट टू के एपिसोड नंबर वन में भी देखा था, इसके रूम में स्पेस रिलेटेड चीज़ें पड़ी थी। और गाइज मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ स्पेस की चीज़ों के बारे में। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, मतलब यूट्यूब पे और ऐसे भी पेपर्स पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ अपने बेसिस पे। सो आई एम ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पेस एंड मुझे थोड़ी बहुत स्पेस के बारे में नॉलेज भी है। hey, ये क्या कर रही है अब एली? अच्छा ये देखिए सोलर सिस्टम की डिपिक्शन है यहाँ पर। मर्करी, वीवीएनएस, ये जब बचपन में हमने पढ़ा था, मैंने जब पढ़ा था वो समथिंग रिलेटेड टू चॉकलेट था। ये देखिए जैसे कि सन के आगे पीछे रोटेशन हो रही है। ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है सन, फिर मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर वो रहा मार्स, और मार्स के बाद अपना आ गया, अब मार्स के बाद जुपिटर आता है, फिर सैटर्न, नेपट्यून एंड एंड में प्लूटो, जिसको अब हम नहीं मानते हैं, उसको हम फुल प्लैनेट ही बोलते हैं, उसको हम डेमी प्लैनेट या छोटा प्लैनेट मानते हैं। और गाइस एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर एक सोलर सिस्टम में एक जोन होता है जिसको हम हैबिटेबल जोन बोलते हैं। मतलब वो जोन जो है वो उस सोलर सिस्टम के स्टार से ना ज़्यादा दूर होता है ना ज़्यादा करीब होता है, और उस जोन में लाइफ फॉर्म कर सकती है। और हमारे सोलर सिस्टम में उस हैबिटेबल जोन के दो प्लैनेट्स आते हैं, दैट इज अर्थ एंड मार्स। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। लेकिन इसमें प्लूटो नहीं दिखाया हुआ। और यहाँ पे सारे इन्होंने मॉडल्स ऑफ स्पेस एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, जिनकी मदद से इंसान या फिर इंसानों की मशीन स्पेस से पहुंचती थी उनके बारे में लिखा है। ये वॉस्टोक के वॉस्टोक के पहला स्पेस एयरक्राफ्ट था जिसकी मदद से इंसान जानवर इन्होंने भेजे थे स्पेस में, और ये यूएसएसआर का था, नाम से लग रहा है। और दूसरा ये पीजीएम 11 रेडस्टोन होगा, तीसरा एटलस LV-3B होगा,
वॉश कोड देखिए कितना बड़ा था. Astronauts say the moon smells like gunpowder. That is a fun fact. Well, wait, how would they... Well, they would take the moon samples back inside and smell them later, I guess. यहाँ पे कह रही है एली कि एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं कि मून जो है वो गन पाउडर के जस्ट में कहता है. और ये देखिए दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट और सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न वी. और अभी जो नासा और स्पेसएक्स जो एक्सपेडिशन भेजने वाले हैं मार्स पे, उसमें शायद कह रहे हैं कि अब इससे भी बड़ा रॉकेट इस्तेमाल होने वाला है. लेकिन आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट यही था सैटर्न वी. साइज से ही दिख रहा है. और ये जो उसके साथ में आप देख रहे हैं एसटीएस, इसका नाम लिखा हुआ है अपोलो मिशन, इसी के थ्रू हुए थे. अब इसको डीकमिशन कर दिया हुआ है इन्होंने. और एंड में लॉन्ग मार्च चाइना का. और ये हमारा चांद मून. यू नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव बीन टू द मून? ट्वाइस. सिक्स टाइम्स. आर यू श्योर? Yeah, I'm sure. I'm gonna make it 7. Oh, rover. ये मशीन मार्स पे भेजते हैं. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. मार्स पे नहीं, सॉरी मून पे. Where's the real one? Considering they left the real ones on the moon, I would say no. Kyunki Mars pe to robotic rovers hain, not these. Aur yahan par jitne bhi satellites hain, aur ye hamara International Space Station ISS, wo dekho piche likha hua International Space Station. Kitna beautiful hai, magar ye bhi aisa aisa degrade ho raha hai, iski bhi life hai. Main koi idea nahi, abhi main bhul chuka hu. Ye kuch saalon ke baad decommission kar diya jayega, uske baad shayad ye wapis earth pe girega niche aake. वहां पे स्पेस सूट देख सकते हैं आप जो पड़े हुए हैं. मर्करी स्पेस सूट, जेमिनी स्पेस सूट. अब एली इसको पहनेगी. सो कूल. हाउ इज इट स्मेल इन देयर? लॉन्च एंट्री सूट. ये ड्यूरिंग जब एक स्पेसक्राफ्ट मतलब अर्थ के एनवायरनमेंट को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर रहा होता है स्पेसक्राफ्ट, उस ड्यूरेशन में ये सूट पहना जाता है. ये तो हमारा जो चांद पे इस्तेमाल होते हैं स्पेस सूट्स. ये वो पॉड है जब री एंट्री होती है अर्थ के अंदर, तो एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर बैठ के अर्थ में एंटर करते हैं वापस. और ये सस्टेन कर देते हैं ह्यूज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ हीट को जो री एंट्री के टाइम पे ड्यू टू द फ्रिक्शन पैदा होती है. इसके अंदर बैठे होते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब वो वापस एंटर कर रहे होते हैं अर्थ के अंदर, और ये क्रैश होता है वापस ज्यादातर समुद्र के अंदर, फिर वहां से उनको रेस्क्यू करते हैं. Okay.
ये था बर्थडे गिफ्ट एली का. जैसे मैंने बताया आपको कि एली को स्पेस रिलेटेड थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो जोल ने उसको ये चीज़ गिफ्ट की है, एक पुराना रिकॉर्डिंग अबाउट अ लिफ्ट ऑफ ऑफ अपोलो 11 मिशन. अब इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, फर्स्ट गेम में ऐसा रिलेशन नहीं दिखा था, मतलब एंडिंग में आके मतलब काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे, लेकिन अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, बिल्कुल बाप बेटी वाला रिलेशन है. जोल एली के बारे में बहुत केयर करता है, एली जोल के बारे में बहुत केयर करती है. एली ने अपने बैग पे लगा लिया इसको. Museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Well, let's go. Give anyone else this much grief. Get down here. No. Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. We've got more exploring to do. और इसके साथ जोल ने भी पानी में छलांग मार दी है, क्योंकि एली ने उसको ऑर्डर किया, और क्योंकि एली का आज बर्थडे है, और एली बोल रही है कि आज मेरा बर्थडे है, आज जो मैं बोलूँगी वही होगा. और जोल को एली की बात माननी पड़ी है, और एली जिद कर रही है कि हमने इस म्यूजियम में भी जाना है, और जोल बोल रहा है मैंने ये एरिया पहले नहीं चेक किया है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, और इसका दरवाज़ा भी बंद है. Come on, we can't chicken out now. All right. Yep. There. Okay, bad news. There's ship blocking the door. दरवाजा तो खोल नहीं सकते हैं, दरवाजा बिल्कुल लॉक्ड है, क्योंकि उसके आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है. I killed for them. ये देखिए स्टैग है एक, इसको वुल्स ने घेरा हुआ है, बारह सिंगा जिसको बोलते हैं.
और यहाँ पर लिखा I killed for them लिखा हुआ है वहाँ पर, तो आंखें खुली रखनी पड़ेगी यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. The four soldiers at the gate. The last one cried. Shit. गड़बड़ है यहाँ पर. The woman was tortured, choked on her blood. What the fuck, man? गन तैयार रखनी पड़ेगी. Fox. Oh shit. The stragglers who snuck into camp, they just wanted food. The kid who ran into the blast, I couldn't stop him. The people in the van, we locked them in and doused it with the gas. भाई इधर तो बहुत ज़्यादा brutality हुई है. There is no light. शायद यही आदमी था वो जिसने ये सब लिखा हुआ है. We wanted to end suffering. We wanted to restore humanity. Each time we sacrificed part of ourselves, our leaders kept saying it will be worth it. Now we disbanded with nothing to show for our sins. I thought coming here might reignite something, some purpose. My parents loved bringing me here. It's one of my earliest memories of them from before the outbreak, before all of the cruelty and savagery. Those memories just made me angrier. I don't want to be in this world anymore. I can't look at the person I have become. इस बंदे ने अपनी जान ले ली क्योंकि जो सब इसने किया था under the orders of the authorities वो इस पर हावी हो गया है. तभी इंसान को हमेशा अपनी हम कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए. गन की तो चली गई अली की. लायर्स अच्छा फायरफ्लाइज के लिए लिखा हुआ लायर्स. ये पार्ट वन के जो ग्रुप था. लेट्स गेट अ मूव ऑन. आई वांट टू गेट अ फायर गोइंग बिफोर इट गेट्स टू डार्क. और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो चुका है. तो फ्लैशबैक मशीन इसी के साथ ख़त्म हो चुका है और वापस थिएटर से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर बीमार पड़ी थी डीना. किधर की डीना? डीना इधर नहीं है. डीना प्रेग्नेंट है जैसे हमें पता चल गया और उसी के बाद वो बीमार होकर
सो रही थी। किधर गई डीना यार? इधर होगी मेरे ख्याल से। ओ वाव, वॉल की फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी, मैं भूल गया, मेरे को पता थी मिलिट्री टर्म होती है वॉल। अच्छा, एब्सेंट विदाउट लीव। सो द नंबर्स आर लोकेशंस, द टीवी स्टेशन वी वर एट, दैट्स 6। देयर्स अ लॉट ऑफ चैटर कमिंग आउट ऑफ 2, सो आई एम अस्यूमिंग दैट्स देयर होम बेस। हम क्लियरली देख सकते हैं डीना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। Keep tracking them, okay? Yeah, okay. Wait. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in luck. I knew. असैसिन्स क्रीड 2 में एज़ी ऑडिटोरी का एक डायलॉग है, आई डोंट बिलीव इन लक, आई मेक माई ओन लक। और वो डायलॉग मेरे को बड़ा आइकॉनिक लगता है।
bear your fangs. They think we are sheep, bear your fangs. Join the Washington Liberation Front. Wow. Propaganda. मेरी इस गन में एमओ फुल है. बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं एमओ फुल हो हमारे पास किसी गन का, तो एक्स्ट्रा एमओ पड़ा उसको हम उठा ना सके. प्राउड फील होती है बड़ी कि वाओ मैन एमओ फुल है. कुछ पढ़ा ही नहीं है काम का हमारे. ये भी खा फुल है हमारे पास. इसका मतलब हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा. वो आप देख सकते हैं दूर ये सारे घर हैं, तो कितनी बड़ी जैसे हिलक्रेस्ट एरिया कितना डेंसली पॉपुलेटेड हो सकता है अगर इधर इतने सारे घर हैं. हमें प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर इतने सबको फेस करने के लिए. इस तरफ तो हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है. Locked. इधर लिखा हो फक द वुल्फ. टॉमी ने तो नहीं लिखा होगा. Boris fools broke into Federal headquarters and found the enlisted roosters. I have heard they're starting to knock on doors looking for soldiers. I'm not gonna be executed in my own town. After things calm down, I'll try to return with a new name. I couldn't find Alfie. I put his food on your back porch. In case I don't come back, give me lots of scratches for me. He always loved you, Sophia. Yolanda. समझ भी नहीं आया क्या लिखा है. अच्छा हमने इस तरफ भी नहीं जाना है. नहीं नहीं इसी तरफ जाना है. यार एक मिनट, वो जगह भी अनएक्सप्लोर्ड है. पहले वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लोर करके आऊंगा. यार मेरे ख्याल से मेन रास्ता यही है और वो जगह कुछ एक्स्ट्रा है, वहाँ पर कुछ पड़ा होगा. तो पहले मैं वहीं पर जाऊँगा.
काम का नहीं है कुछ इधर। देखो ना शॉटगन की गोलियां मिल गई, मिस कर देता है मैं जगह। ये भी कुछ मिला है क्राफ्ट करने के काम आएगा। ये देखो पिल्स, और कुछ तो नहीं रह गया इधर। अच्छे से चेक कर लूँ जरा। और नोट बोरी नहीं, बहुत लंबा है, पढ़ूंगा नहीं मैं। जरा एक नहीं कम है हमारे पास, सभी भी बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे लगा किसी के बोलने की बात है ये मुझे। नहीं मेरा वहम तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। Shit. मैंने और अली ने एक टाइम पे शिट बोला। You think this guy's connected to the girl from the school? That'd be a hell of a coincidence if they weren't. I hate these small groups. Big groups, it's a straight fight. These owners. Hey, hear that? I'm on it. गन पे सप्रेसर इक्विप करूं मैं। कोशिश करूंगा इनको बिना मारे इधर से निकलूं, वरना गड़बड़ हो सकती है। वो कुत्ता किधर गया? फक मैन, उधर एक और कुत्ता है। आई होप इस कुत्ते को मेरी सेंड ना आए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर ये बीच में कांच है और ये टूटा भी नहीं है। मुश्किल है भाई, कैसे निकलना है इधर से? एक प्लान है मेरे पास, अगर मैं इसको इधर कहीं फेंक दूँ सो मे बी और फिर इधर से रेंग रेंग कर हाँ निकल गई अली, निकल गई, निकल जल्दी जल्दी। ओ जल्दी अली, इतना जोर क्यों लगा रही है? देख लेंगे तेरे को, जल्दी कर अली। शिट 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 अली, जल्दी कर। ओ बच गया मैं। Fuck this WLF. Damn it. So guys, इस एपिसोड को हम यहीं तक रखते हैं। So हमने देखा अभी तक क्या हुआ है कि पहले तो वो फ्लैशबैक हमने कंप्लीट की, जो कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैशबैक थी एली के बर्थडे की 3 साल पहले की। उसमें हमें पता चला है कि एली के स्पेस के बारे में कितना पसंद है, स्पेस के बारे में चीज़ें देखना या स्पेस के बारे में पढ़ना या स्पेस से रिलेटेड थिंग्स के बारे में। और हमें एक स्वीट रिलेशनशिप के बारे में पता चला जो जोल और एली के बीच में था। उसके बाद अब वापस हम यहाँ पे आए हैं। अब हमें टॉमी के ऊपर एक लीड मिलेगी। टॉमी हिलक्रेस्ट एरिया है, उस तरफ एक्टिविटी है टॉमी की, तो हम उसके पीछे जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं इस एरिया में कितनी ज़्यादा प्रेजेंस है WLF सोल्जर्स की, और साथ में उनके छोटे छोटे दोस्त भी हैं कुत्ते, जो हमारी पूरी सेंट सूंघ कर हमें हम पर अटैक कर सकते हैं।
तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले एपिसोड में। आई होप आपको ये सीरीज देखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे को फीडबैक दीजिए कि मैं अपने आपको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। डेलिस्कॉपियन आउट।